राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है एक दिन सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप 12th हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राह संघर्ष की जो चलता है, यानी कि अगर आप पढ़ाई में दिन रात मेहनत करते हैं तो एक दिन आप सूर्य बनकर चमकेंगे, यानी कि आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क लेकर आएंगे और अपने माता पिता के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं सर मैं हिंदी और इंग्लिश जो है इसको जैसे बोर्ड एग्जाम आएगा, दो महीने बचेगा, मैं इसको पढ़ लूंगा पूरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर मत समझिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 90% प्लस मार्क आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, जाकर उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के, ठीक है, 32 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी कि 32 बहुविकल्पीय प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो बहुत देर से लाता हूं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन समझना है और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, उसको नोट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कीर्तिलता के रचनाकार हैं। बताइए, कीर्तिलता ये लिखा है, ये इस प्रकार से नहीं रहेगा। ठीक है, इस पर ये रहेगा। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? का है सारंगधर, खा है दलपति, गा है जगनिक और घा है विद्यापति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, विद्यापति। ठीक है, तो कीर्तिलता जो है ये एक रचना है, इसके जो रचनाकार है यानी कि लेखक है वो है विद्यापति। ठीक है, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा आपको आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना होगा एक एक क्वेश्चन, ध्यान से समझना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। दूसरा देखिए, हरिओध जी की कृति नहीं है, इसमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की नहीं है? ठीक है, हरिओध जी के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 12th में चैप्टर है हरिओध जी का पवन दूतिका। ठीक है, तो उनके जीवन परिचय को आप पढ़ लीजिए, इन सब क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जीवन परिचय पढ़िए, उनकी रचनाएं पढ़िए, उससे आप जीवन परिचय भी लिख देंगे, साहित्यिक परिचय, और उनकी जो ये क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आते हैं उसका भी आंसर आसानी से दे पाएंगे। का है चोखे चौपदे, खा है प्रिय प्रवास, गा है वैदेही बनवास और घा है चित्राधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, चित्राधार। देखिए, चोखे चौपदे, वैदेही बनवास और प्रिय प्रवास, ये तीनों रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है, लेकिन चित्राधार जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तीसरा देखिए क्या है, साहित्य लहरी के रचयिता है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी, सूर सारावली, इसके रचयिता कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया था और इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। देखिए, का है तुलसीदास, खा है सूरदास, गा है कबीरदास और घा है आचार्य केशवदास। तो देखिए, सूरदास जी साहित्य लहरी के रचयिता हैं, सूर सारावली के रचयिता भी यही हैं। क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तीनों क्वेश्चन नोट कीजिए, तब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसमें मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये वाला पढ़ लीजिए, इसको ना पढ़िए। देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उतना स्ट्रांग आपका हिंदी होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समय सीमा, ठीक है, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सी समय सीमा है जिसको द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं? ठीक है, यहां पर तीन ही ऑप्शन दिया गया है, तो एक ऑप्शन हम लिखते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन कौन सा है? घा वाला ऑप्शन। घा वाला ऑप्शन है सन 1900 से, ठीक है, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी तक।
तो देखिए जो द्विवेदी युग की समय सीमा है उसका राइट आंसर यही होगा जो मैंने लिखा है, क्योंकि सही आंसर यहां पर लिखा नहीं गया था। ठीक है, तो आप लोग सही आंसर समझ में आ गया आपको कि जो द्विवेदी युग की समय सीमा है वो सन 1900 से 1922 ईस्वी तक है। ठीक है, बाकी चारों ऑप्शन गलत हैं, ये सब ऑप्शन गलत हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। ठीक है, तो इसको लिखा नहीं गया था तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। देखिए कहीं कहीं गलतियां जो होंगी, जैसे कवि को कवि लिख दिया गया है तो इस पर छोटी ई का मात्रा होगा, तो ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। का है रस खान, खा है रहीम, गा है जायसी और घा है नानक। तो सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, यानी कि जायसी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग लगातार जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे भक्ति जो काव्य धारा है उससे क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बताइए इनमें से कौन से कवि हैं जो राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक है, का ऑप्शन है नाभादास, खा है तुलसीदास, गा है अग्रदास और घा है चतुर्भुजदास। तो जो चतुर्भुजदास जी हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, इससे ये संबंधित नहीं है। नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि चुभते चौपदे के रचनाकार कौन हैं। का है सुमित्रानंदन पंत, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है मैथिली शरण गुप्त, घा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अभी ये क्वेश्चन आया था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो तीन ऑप्शन दिए गए थे, चौथा ऑप्शन गलत था। ठीक है, तो वो तीन ऑप्शन में से ये भी था जो सही था, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, नई कविता की रचना है, यानी कि नई कविता की रचना कौन सी है इसमें से, नई कविता। का है आमा, खा है खुशबू के शिलालेख, गा है प्रलय सृजन और घा है पुरोरवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, खुशबू के शिलालेख। ठीक है, नई कविता युग की जो रचना है इनमें से वो है खुशबू के शिलालेख, तो ऑप्शन नंबर खा इसमें राइट होगा। देखिए हिंदी में अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ ऑप्शंस देखना है, उसका आंसर देना है। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें जो मैं आपको बताऊं, तो आपको जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। जब भी आप पढ़ें आपका मन एकदम कॉपी पर होना चाहिए, यानी कि इसी पर होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, यानी कि जो रीतिकाल है इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है, विशेषता क्या है। का है राजप्रशास्ति, खा है श्रृंगारिकता, गा है रीति निरूपणता और घा है नीति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्रृंगारिकता। ठीक है, रीतिकाल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो श्रृंगारिकता है, इसीलिए हम इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किस काल को हम श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं, तो वो होगा रीतिकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, यानी कि पृथ्वीराज रासो जी जो हैं ये किस काल में इन्होंने रचना की है। का है वीरगाथा काल, खा है भक्ति काल, गा है रीति काल और घा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, वीरगाथा काल। पृथ्वीराज रासो जी जो हैं ये वीरगाथा काल के रचनाकार हैं। ठीक है, यानी कि इस काल के रचयिता हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। देखिए ये चैप्टर जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, ये हमारे 12th हिंदी में पहले था लेकिन अब ये हट चुका है। ठीक है, जो 30% सिलेबस कम किया गया था 12th हिंदी में उसमें इस चैप्टर को हटा दिया गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएंगे, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर से ही नहीं आते बल्कि पूरे हिंदी साहित्य से आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर का है ऑप्शन का, सदाचार का ताबीज, खा है साहित्य का श्रेय और प्रे, गा है मेरे विचार और घा है मंथन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, मेरे विचार। देखिए इसमें से जो मेरे विचार है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। ठीक है, ये इसके लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो जो आप में कवि या लेखक हैं उनका आप जीवन परिचय पढ़ लेंगे, क्योंकि जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और उसके बाद में उनकी रचनाओं को पढ़ लेंगे तो आपका ये हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व
सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा, यानी कि ये किस विधा की रचना है, ये जो है सिंहावलोकन ये किस विधा की रचना है, का है आत्मकथा, खा ऑप्शन है रेखा चित्र, गा है संस्मरण और घा है कहानी। तो ये जो है एक आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए यशपाल कृत सिंहावलोकन जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, चार ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जो राइट आंसर होगा उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, यानी कि निराला की साहित्य साधना ये एक रचना है, इसके लेखक कौन है। चार ऑप्शन है, का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है महादेवी वर्मा, गा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, घा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखिये निराला की साहित्य साधना, अब आपको नाम में निराला लिखा है तो ऐसा नहीं कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर टिक कर दें, जो इसका सही आंसर होगा उसी को आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, यानी कि साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं। फोर ऑप्शन है, का है रामचंद्र शुक्ल, खा है श्याम सुंदर दास, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है हरिशंकर परसाई। तो आलोचनात्मक जो कृति है साहित्य सहचर, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जब आप साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, तो आलोचनात्मक जो उनकी आलोचनाएं हैं उनमें ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही यहां पर क्वेश्चन कर लिया गया आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये इनका नाम है, ठीक है, इनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, यानी कि इनमें से कौन सी पत्रिका है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी द्वारा संपादित की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है आनंद कादम्बनी, खा है दिनमान, गा है साप्ताहिक हिंदुस्तान एंड घा है आजकल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आनंद कादम्बनी। देखिए आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है इसको बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने संपादित किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर का है रामकुमार वर्मा, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है बालकृष्ण भट्ट एंड घा है महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी मैंने आपको बताया था, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब जो नाटक हैं वो किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के। तो ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। अब जयशंकर प्रसाद जी का जो साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई स्कूल में भी है एंड इंटर में भी है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट में भी है, क्योंकि ये सब बहुत बड़े लेवल के जो कवि हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अब ये तो आपके 12th हिंदी में चैप्टर भी दिया गया है अशोक के फूल, ठीक है, इसके लेखक कौन है सभी को पता होगा, का है रामचंद्र शुक्ल, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है विद्यानिवास मिश्र एंड घा है रामविलास शर्मा। तो जो अशोक के फूल है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये आप में चैप्टर भी दिया गया है, तो 12th हिंदी का जो गद्य सेक्शन है उसमें ये चैप्टर है, ठीक है, और इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है, यानी कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की है, का है कफन, खा है गुंडा, गा है रोज एंड घा है चीफ की दावत। तो देखिए कफन जो है ये प्रेमचंद्र जी की कहानी है, ठीक है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, उनकी कहानियां, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, यानी कि विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं ये किस प्रकार के निबंध लिखते हैं, ठीक है, कई प्रकार के निबंध होते हैं, जैसे ललित निबंध, विचारात्मक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध एंड भावात्मक निबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ललित निबंध, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं ये ललित निबंध के लेखक हैं, यानी कि ये ललित निबंध को लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर, जो कबीर दास जी हैं, नानक, दादू, मलूकदास तथा रैदास, ये सब किस काव्य धारा के कवि थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसमें चार पांच कवियों का नाम ले लिया गया, ठीक है, चार पांच लेखकों का नाम ले लिया गया है, तो आपको बताना है कि ये किस काव्य धारा से थे। ऐसे सिंगल सिंगल भी आ सकता है, एक एक कवि का नाम भी आ सकता है, ठीक है। का है प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा, खा है ज्ञानाश्रय संत काव्य धारा,
ग है सगुण भक्ति का बेदारा और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा। ठीक है, तो जो कबीरदास जी थे, नानक, दादू मलुकदास एंड रैदास, ठीक है, ये सब ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, यानी कि किस काल को, हिंदी साहित्य के किस काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है। का है रीतबद्ध काव्य, खा है रीत सिद्ध काव्य, गा है रीत मुक्त काव्य एंड घ है भक्ति काव्य। तो भक्ति काव्य जो है ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ठीक है, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखिए रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं, तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर का है प्रेमाश्रय काव्यधारा, खा है निर्गुण भक्ति काव्यधारा, गा है सगुण भक्ति काव्यधारा एंड घ है कृष्ण काव्यधारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, कृष्ण काव्यधारा, रसखान जी जो है ये कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं।